बाणगढ़ का किला आम तौर पर दिन के समय खुला रहता है। आम जनता को सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक वहां प्रवेश ना करने की सलाह दी जाती है। अगर अंधेरे में कोई वहां प्रवेश करने का कोशिश करता है तो वहां रहने वाले लोगों के अनुसार वो रहस्य रूप से गायब हो जाता है और कभी वापस लौट के नहीं आता, इसलिए यहाँ जाना उचित नहीं है। हर्ड आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये जगह एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में है और यहाँ पहुँचने के लिए अविश्वसनीय रूप से बहुत कठिन है। इसके अलावा यहाँ ज़्यादातर थोड़ी थोड़ी देर में ज्वालामुखी का आगमन होता रहता है, इसलिए मनुष्यों को यहाँ न जाने की सलाह दी जाती है। ये जगह हिंद महासागर में है जहाँ पर कभी 2000 लोगों का घर हुआ करता था, लेकिन 1973 में ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के दौरान अमेरिका के लिए एक सैन्य अड्डा बनाने के लिए यहाँ के लोगों को बेदखल कर दिया। आज तक सेना से बाहर किसी भी व्यक्ति को यहाँ आगे जाने की इजाज़त नहीं है। तिजोरी जैसे दिखने वाली यह जगह डोम्सडे वॉल्ट है जो नॉर्वे में है। इस तिजोरी का उद्देश्य अगर भविष्य में किसी वनस्पति का पुनः स्थापित करने की ज़रूरत हो तो इसका उपयोग हो सकता है। यह तिजोरी इस तरह से बनाई गई है कि यह भूकंप और ऐसे कई सर्वनाशों को झेल सकती है और आमतौर पर 200 सालों तक इसका उपयोग हो सकता है। स्नेक आइलैंड जो ब्राज़ील में है, यहाँ पे आपको अलग अलग जाति के सांप देखने को मिल सकते हैं, पर वो इतने जहरीले होते हैं कि आमतौर पर इंसानों को यहाँ जाने की अनुमति नहीं है, ताकि वहाँ रहने वाले सांप और इंसान दोनों सलामत रहें। पॉइजन गार्डन जो इंग्लैंड में है, बाहर से खूबसूरत दिखने वाला ये गार्डन अंदर से जहरीले पौधों से भरा हुआ है, इसलिए किसी भी जगह पे टूर करने के लिए आपको हाईली ट्रेन गाइड की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ प्रवेश के बहुत ही सख्त नियम हैं।